हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा। और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली 2 महीने के बाद ये मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। कहाँ था, क्या था, जैसे पूरे इंडिया में सबको कोरोना हुआ, मुझे भी हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन, शटडाउन एंड व्हाटएवर नॉट। एंड ये जो बीच का जो टाइम था, उसमें मुझे मौका मिला कि बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो मैंने करनी शुरू करी और काफ़ी करी और कर भी रहा हूँ। और उन ट्रेनिंग्स में ये हुआ कि ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ और ये मैं कोई बखान करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ट्रेनिंग्स का मेरे को नेट फायदा ये हुआ, हो रहा है कि जितने भी मेरे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, वो जैसे वो कहते हैं ना बच्चों में वो क्विज होती है कनेक्टिंग दी डॉट्स की, डॉट 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 में फिर पूरी पिक्चर जो होती है वो सामने आती है जब आप ड्रॉ करते हो, तो वो जो बीच बीच के वो जो डॉट्स थे वो कनेक्ट होने लगे। और जो आज की वीडियो है उसका पर्पज ये है कि मैं आपको एक केस स्टडी जो है, जो हम लोगों ने करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि हम लोग बिल्कुल ही मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं इंडियन टेक्नीशियंस की और उसमें मैं बता रहा हूँ किसी की भी कोई गलती नहीं है, ना मेरी ना उनकी ना ये यू नो आने वाले जनरेशन में होपफुली ये गलतियाँ सुधरेंगी। कहने का मकसद ये है कि पीछे एक्चुअली मेरी बात हो रही थी अभिजीत से, अभिजीत ए टू जी उनकी वर्कशॉप है। अभिजीत एक सीनियर टेक्नीशियन है, हुंडई के हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, 1 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छी वो वीडियो बनाते हैं। और जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उधर सीखें, उधर जाएँ। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने नई करी हैं, हाइब्रिड के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बनाई है और बहुत सारे टिप्स वगैरह वो देते रहते हैं। तो और तो बिल्कुल आप उनकी जो चैनल है सब्सक्राइब करें। दी थिंग इज, अभिजीत से मेरी बात हो रही थी, अभिजीत वाज काइंड इनफ कि मेरे को फ़ोन आया एंड वैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक बात जो निकल के आई और ये चीज़ जो मेरे टीचर्स हैं अब्रॉड में उनके साथ भी ये बात हुई है मेलबाजी में, ये निकल के आता है कि साहब बात ये है, इंडिया में आप सिचुएशन देखो। अभिजीत से जो मेरी बात हुई, अभिजीत की उम्र 30 साल है, राइट। तो मैंने ये, और ये मैं एक अगर एवरेज एज लेता हूँ हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस की, जो प्रॉबेबली सेकेंड जनरेशन या व्हाटएवर सेकेंड जनरेशन टेक्नीशियंस की, मतलब जो 35 साल की अगर मैं एवरेज एज लेता हूँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि 1996 में OBD2 आ गया था दुनिया में। इंडिया में क्या हुआ मुझे अच्छी तरह से मैं खुद बोल सकता हूं कि 1998 में मैंने एक जेन खरीदी थी मारुति की, तो वो कार्बोरेटर वाली थी। उसके बाद 2001 में मैंने एक पैलियो खरीदी थी, तो वो 3 पिन का कनेक्टर था। होंडा के ऊपर हम लोगों ने जब काम करते थे वे बैक, जो Type 1 होंडा है, होंडा सिटी, वो 3 पिन के कनेक्टर थे, ओके। 2002-03 तक वो गाड़ी आई है। होंडा अकॉर्ड पुराने वाली, अगेन 2002-03 तक वो है, वो 3 पिन वाली थी। बेसिकली इंडिया में हुआ क्या, 1996 में OBD2 आ चुका था, हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो फिर भी OBD1, अगर किसी को एंडेवर टाइप 1 याद है तो एंडेवर टाइप 1 में आपका 16 पिन पोर्ट ही नहीं होता था, यू नो यू हैड अगेन वो बोनेट के नीचे वो व्हाटएवर फोर्ड का जो पोर्ट होता था। कहने का मकसद ये है, अब इसमें आप देखिए कि एजुकेशन क्या हुई किसी को, मैं खुद बोलता हूं कि हमारी एजुकेशन कहां हुई, कहां है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिनने हमारे को एजुकेशन देनी थी, देनी चाहिए थी, वो दी नहीं। हम लोग आज तक, मैं अपने बारे में बोलता हूं कि मैं इस मुकाम पे, जिस भी मुकाम पे मैं थोड़ी बहुत नॉलेज अगर पहुंचा हूं, ये सारी मेरी अपनी मशक्कत है। और ये सारी जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जिन जो भी मेरे तरह से हैं,
वो सिर्फ अपनी मेहनत और मशक्कत से आए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऐसे कोई एग्जामिनेशंस नहीं है जिसमें हम ये बात करें कि भाई आपको टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई। अब उसका जो सबसे बड़ा फॉलोआउट होता है, फॉलोआउट क्या होता है कि OBD2 जब तक आपका मारुति वगैरह वाले इंट्रोड्यूस करते हैं, 16 पिन आता है, तब तक वो टेक्नोलॉजी आए हुए पहले ही यू नो अगर मारुति ने आई डोंट नो 2002 वो मैं जब भी करा होगा तो वो 1996 से 5-6 साल हो गए। उसके बाद दुनिया Euro 3 पे चली गई तो हम लोग Euro 1 Euro 2 पे रहे। जब Euro 4 दुनिया छोड़ गई तो हम लोग रोते बिलखते Euro 3 पे आए, फिर Euro 4 पे आए। और अब जो कहने का मतलब ये है कि यूरो दुनिया 2013 से यूरो 6 पे है, हम लोग यूरो 6 पिछले साल आए हैं। तो होता क्या है कि हमारे यहां पे जो टेक्नोलॉजी आती है वो जंप्स में आती है। आपके ऊपर टेक्नोलॉजी थोप दी गई, अब आप चूजो। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने अपना जो यू नो ट्रेनिंग सेशंस रखे हुए हैं, जैसे मारुति है, टोयोटा है, उन लोगों ने, एंड आई डोंट नो हुंडई का क्या है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभिजीत मुझे बता देंगे। और बाकी जो है कि उनका क्या है कि जो टेक्नीशियंस हैं, कोई कोई कहीं पे वोक्सवैगन में काम कर रहा है, कोई होंडा में काम कर रहा है, कोई कहीं पे काम मर्सिडीज में काम कर रहा है, व्हाटएवर, तो उनको सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर थोड़ी मोड़ी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। हालात ये हैं कि हमारे यहां पे अभी भी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% वर्कशॉप ऑथराइज डीलरशिप्स पे ऑसिलोस्कोप नहीं, उनको कैम बस को चेक करने का कोई तरीका नहीं। बात यह है कि ये सारी जो चीजें जब हमारे लोगों को आती है, हम लोगों ने महंगे महंगे स्कैनर खरीदे और उसके ऊपर जूझ रहे हैं। सो बेसिकली बात यह है कि एक अगर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म हमारा बनता है ट्रेनिंग का तो इट इज ऑलवेज वेरी गुड। और ट्रेनिंग का मेरा यह अपना मानना है कि ट्रेनिंग आपको जहां से मिल सकती है आप उसे लें। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑटेल वाले हैं जिनसे मैंने ऑटेल का टूल लिया है, उनकी एक ट्रेनिंग आती है IMEA, दुबई बेस्ड है, उनकी ट्रेनिंग में अटेंड करता हूँ। लॉन्च टेक की आती है यूरोप की, मैं उनको अटेंड करता हूँ। यू नो जी स्कैन के पीछे वो वीडियो वीडियो डालते थे, अब थोड़े बहुत डालते हैं तो वो अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन इन ट्रेनिंग्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ब्रांड स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, कि ये आपको सिस्टम ट्रेनिंग नहीं देंगे, ये आपको उनके ब्रांड से आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो वो ट्रेनिंग है। और बेसिकली जो मेरा मकसद ये है, और आगे जाके जो हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो चालू करना है, भाई ये बात ये है, हम तो इस नतीजे में पहुंच गए हैं, जब तक इस मुल्क में हमारी सरकारें इस तरीके से हैं तो कोरोना तो रहेगा, और कोरोना रहेगा तो पिछले बारह पूरा एक साल हो चुका है इस चीज को हम डिले करते रहे। सुनील जी के साथ कब से हमने इंट्रोड्यूस करना था, और ये जी कोरोना प्रोटोकॉल है, ये है वो है एंड एवरीथिंग, लेकिन बात ये है अभी सेकेंड वेव खत्म हो गई है, अब थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी, फिफ्थ आ जाएगी, लेकिन हमारा जो काम है इट शुड गो ऑन, और यही आगे का ये मकसद है। सो टुडे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा एक छोटा सा, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने ये इंट्रोडक्शन में ही ले लिया है, आज आपको मैं सिर्फ एक ये जो आज का टॉपिक है वीडियो का, और ये जो मेरे ट्रेनर हैं उनका सबका एक ही है, एक टॉपिक होता है कॉज एंड इफेक्ट, कि हम लोग क्या डायग्नोस कर रहे हैं, क्या हम जब फॉल्ट डायग्नोसिस करते हैं तो हम ढूंढ क्या रहे हैं, क्या हम उस पर्टिकुलर फॉल्ट जो है उसको उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या हम उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिस वजह से ये फॉल्ट आया है, क्या हम बुखार को ट्रीट कर रहे हैं या बुखार के कारण को ट्रीट कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड साइंस, और अकलमंदी यही है कि आप बुखार को ट्रीट तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बुखार का कारण है, जिस कारण ये फॉल्ट आया उसको ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली आज पहले मैं कॉज एंड इफेक्ट ले लेता हूं,
और उसके बाद वो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वो अगर टाइम बचा तो वी विल डिस्कस इट। और ये एक क्लासिकल केस है, और हर वीडियो में अब मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा, ये एक केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और उस केस स्टडी में आप देखिएगा कि और ये अपने आपकी बीती हुई कुछ केस स्टडी है और आके होती रहेंगी, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ और जिस चीज की मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप मान के चलिएगा कि ये मेरे अपनी गाड़ियों पे टेस्टेड हैं, जो भी आगे मैं चीजें बताऊंगा। और ये यूट्यूब एक माध्यम ऐसा है कि मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ आपको, बाकी आप लोगों को मैं टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा, वो आप लोगों ने जितनी भी गूगल करनी है वो करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग जब तक आप लोग नहीं लेंगे ये टॉपिक्स को कवर करना यूट्यूब के माध्यम से नामुमकिन है। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने जिक्र किया कॉज एंड इफेक्ट, तो ये अभी इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ये जो मैंने मोड वन एंड टू एंड व्हाटएवर लिखे हैं। तो एक जनाब ये कार है, डीजल ले ले, और इसमें जो कस्टमर की कंप्लेंट है वो ये है कि ये मॉर्निंग में बढ़िया स्टार्ट होती है, गुड स्टार्ट, गुड पिकअप, सब बढ़िया है, लेकिन जब ये करीबन 6-7 किलोमीटर चल जाती है उसके बाद इसका पिकअप ड्रॉप हो जाता है। अब इसमें ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि वो बेचारे कस्टमर का, मतलब मैं क्या बोलूं, ये जो है वो डीलरशिप पे गए, डीलरशिप ने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जनाब उसको बोला कि आपका क्लच हेड खत्म हो गया है, क्लच हेड चेंज हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम वही की वही। उसके बाद जी उन्होंने आई डोंट नो पता नहीं, फिर उन्होंने वो हाँ टर्बो का उन्होंने ये बोला कि अब आपका टर्बो चेंज होगा। ओके, कस्टमर जो है वो हमारे पास आया, हम लोगों ने जब फॉल्ट डायग्नोसिस किया, नो फॉल्ट को, नो डीटीसी जो नॉर्मल आता है, मैन्युफैक्चरर साइट में गए, आई डोंट वांट टू नेम द मैन्युफैक्चरर क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर साइट में गए, नो डीटीसी। तो जनाब एज यूजुअल लाइव डेटा में गए, लाइव डेटा में जब गए तो कुछ ऐसा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गाड़ी जो थी वो काफी टाइम से खड़ी थी, तो जब इंजन स्टार्ट किया एवरीथिंग वाज ओके। सो एनीवे, तो वो गाड़ी रात भर हम लोगों ने अपने पास रखी, हमने रात को रखी, सुबह उसको व्हाटएवर वी स्टार्टेड द कार, गाड़ी को ड्राइव पे ले गए एब्सोल्युटली, जो और एग्जैक्टली 7-8 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट प्रॉब्लम आई। उस टाइम जब हमने लाइव डेटा देखा तो जो सिर्फ एक चीज हमारे को दिखी वो IAT जो सेंसर था, इट वॉज शोइंग आई थिंक अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, इसको थोड़ा सा हटा दे, 68 था या 70 था, समथिंग लाइक दैट, मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो हम लोगों ने कहा कि साहब ये रहा जी फॉल्ट। अच्छा, उसके बाद जी जब पिकअप ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियसली जो रेल प्रेशर था, रेल प्रेशर सेंसर, रेल प्रेशर में हमने देखा तो ऑब्वियसली फ्यूल भी कम था, मतलब जितना फ्लो होना चाहिए व्हाटएवर। तो हम लोगों ने हैप्पीली बोला कि साहब फॉल्ट मिल गया है,
आईआईटी पार्ट ऑफ दी एमएएफ था, मास एयर फ्लो सेंसर। तो हम लोगों ने जी मास एयर फ्लो सेंसर चेंज कर दिया। मास एयर फ्लो सेंसर चेंज करने के बाद प्रॉब्लम रिमेंड द सेम, प्रॉब्लम वही की वही। मतलब एक दो दिन जैसे हम भी खुश कि साहब वाओ क्या बात है, क्या 30 मार्क हाँ है, हम लोग कितने महान टेक्नीशियन हैं और हमने आपका डायग्नोस करके दे दिया, तो पीड़ अपनी थप दबाई, वेल डन। और दो दिन बाद प्रॉब्लम वही की वही। इस बार जो जनाब वो परेशान हुए, जो भी, फिर वो किसी और भाई साहब के पास चले गए। मैं कहा कि भैया तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। तो अब जिन भाई साहब के पास गए उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्या क्या हुआ है जी, क्लच चेंज हो गया, कंपनी ने कहा है टर्बो चेंज करना है, टर्बो हम लोगों ने देखा बूस्ट प्रेशर बिल्कुल ठीक था, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम, जितना आना चाहिए था आ रहा था एट व्हाटएवर थ्रॉटल पोजीशंस पे, एपीपी पे सॉरी। उन भाई साहब ने क्या करा कि मास एयर फ्लो चेंज हो गया था, क्लच चेंज हो गया था, उन्होंने उठा के उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये गाड़ी, उन्होंने इंजेक्टर और पंप वो करवा दिए। ओके, प्रॉब्लम वही की वही। उसके बाद जी क्या हुआ, लास्ट में जैसे कि आई एम श्योर 99% ऑफ द टेक्नीशियंस यही बात सोच रहे होंगे, उन्होंने इसका ईसीएम बदल दिया। ईसीएम चेंज, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम वही की वही। फाइनली जो कोड्स आ रहे थे, जब फिर वो गाड़ी आई, एंड इस बार थोड़ा सा हम लोगों को भी वो एक इज्जत की बात थी एंड एवरीथिंग। जो कई बार क्या होता है कि यू नो थोड़ा सा भी आपको तिनके का सहारा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे से वो गाड़ी हुई। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने OBD2 में उसका डेटा देखा, यहां पे IAT वही, नो DTC, नो फॉल्ट कोड हर जगह, अब वो जब भी हुआ होगा। जब हमने OBD2 में डेटा देखा, लाइव डेटा में सॉरी पेंडिंग कोड्स में आया, पेंडिंग कोड्स में दो चीजें आई, एक आया रेल प्रेशर जो है फ्यूल वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर नहीं फ्यूल वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, फ्यूल वॉल्यूम लो। दूसरा आया इसका APP कोरिलेशन, तीसरा आई थिंक मेरे को ध्यान अभी पूरी तरह से नहीं है, कैट एफिशिएंसी का आया था कि नहीं आया था आई डोंट नो, बट एनी विच वेज ये गाड़ी के जब डेटा को हमारे सीनियर के साथ कंसल्ट किया गया तो पता ये लगा कि जो ये वाला सेंसर है, नथिंग रॉन्ग विद द सेंसर, इस गाड़ी में रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट, कोई कोरिलेशन नहीं किसी भी चीज का, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि हर सेंसर की एक कोरिलेशन है। रेस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट था, जब इसका एग्जॉस्ट क्लीन हुआ कार वॉज एब्सोल्यूटली फाइन, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गई। सो बेसिकली
जब इसकी रीजनिंग आई, अब आप पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है। वेल, बात यह है कि अगर मेरा अपने आप को लूं और मुझे देसी भाषा में मैं बोलता हूं कि मुझे कब्ज हुई हुई है, मेरे को मोशन नहीं हो रहा, लेकिन मैं खाना अपने अंदर ठूसता जा रहा हूं, ठूसता जा रहा हूं, ठूसता जा रहा हूं, फाइनली क्या होगा, मेरे को उल्टी आएगी। गाड़ी के क्लोज लूप सिस्टम में, और माय फ्रेंड्स इस चीज को आप ध्यान रखना, इस आईएटी सेंसर के ऊपर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और मैंने इस चीज को सीखा है, और आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगा जो हमने ट्रेनिंग में मैं सीख रहा हूं और सीखता रहता हूं। क्लोज लूप में जब इसका एग्जॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड है तो ये जो एग्जॉस्ट है ये किधर जाएगा, ये वापस आएगा, वापस मैनिफोल्ड में आएगा, और मैनिफोल्ड में जाके और ये क्या क्या चीजें कर सकता है वो उसके बारे में वी विल डिस्कस इट एट अ लेटर टाइम। लेकिन आपका ये जो गर्म एग्जॉस्ट है ये आपका आईएटी टेम्परेचर बढ़ाएगा। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी रिस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट को देखो, आईएटी का अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा नजर रखना। अब बात यह है कि कौन सा स्कैनर वगैरह वगैरह, आई थिंक कोई भी ले लो जो आपको सूट करता है वो लो, जो आपको अच्छी सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है उससे लो। सारे स्कैनर मैंने टेस्ट कर लिए और वो आगे जाके जब मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, सबका डेटा सेम है, पैसे उतने खर्च हो जिससे आपको प्लस 1+2 एक्स्ट्रा मिलता हो, बाकी आप लोगों की मर्जी। आई होप दी वीडियो हेल्प्स। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।